हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ सीए फाइनल, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, जो लोग भी सीए का एग्जाम्स क्लियर हो चुके हैं नवंबर 23 में। भले आप एक ग्रुप क्लियर हो या दोनों ग्रुप क्लियर हो गए हो, या आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुके हो या आप हाफ चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुके हो, आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां हो। आपके माता पिता को बधाइयां हो, आपके भाइयों को, बहनों को, आपके दोस्त यारों को, और सबसे ज्यादा बधाई आपको, क्योंकि अल्टीमेटली हार्डवर्क तो सबसे ज्यादा आपने किए, ठीक है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू, और मैं उम्मीद करता हूं आप अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े झंडे गाड़ोगे, जीवन में बहुत आगे बढ़ोगे, और मैं उम्मीद करता हूं आप में से ही कोई एक दिन जाकर हमारे देश का फाइनेंस मिनिस्टर भी बन सकता है, और आप में से कोई एक दिन जाकर हमारे देश का गवर्नर भी बन सकता है। सो टेक केयर ऑल ऑफ यू, इस खुशियों को हमारे साथ भी थोड़ा बांटो, हमारे साथ भी रिजल्ट शेयर करो भाई, तो हमें भी थोड़ा क्या लगे, अच्छा लगे। Now, coming to those students, unfortunately, who have not been able to clear their exams, जो अपना एग्जाम नहीं क्लियर कर पाए, जो बेस्ट ऑफ द एफर्ट्स डाल चुके हैं, जिन्होंने अपनी तरफ से वो सब कुछ कर लिया है जो वो कर सकते थे, लेकिन फिर भी वो अपना एग्जाम नहीं क्लियर कर पाए। उन्होंने बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत हार्डवर्क किया, उन्होंने बहुत डेडिकेशन के साथ काम किया, 12-12, 14-14 घंटे, जैसे टीचरों ने बोला, अलग अलग टीचरों ने जैसे जैसे बोला वैसे वैसे किया, फिर भी नहीं पास हो पाए। अब आपके दिमाग में एक भय होगा, एक डर होगा कि सर अब हम ओल्ड कोर्स से न्यू कोर्स में क्या करें सर, डायरेक्ट टैक्स में, सर ओल्ड कोर्स से न्यू कोर्स में हम कैसे जाए सर, सर इतने सारे अमेंडमेंट्स आए हैं सर, सर कौन से न्यू टॉपिक्स ऐड हुए हैं। आपको किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं तुम्हारे साथ, ठीक है, मैं सब बता रहा हूं आपको क्या करना है। इस पर्पस के लिए मैंने सारे स्टूडेंट्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है, तीन कैटेगरी। कैटेगरी वन, वो स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि कंसेप्चुअली वो बहुत स्ट्रांग थे, कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रांग थे, और उन्होंने क्वेश्चंस भी सफिशिएंट प्रैक्टिस किया था क्लास में, पास्ट आरटीपी भी किया था, पास्ट एमटीपी भी किया था, पास्ट एग्जाम पेपर भी किया था, आईसीआई के क्वेश्चंस भी किए थे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी किए थे, लेटेस्ट आरटीपी भी किया था, लेटेस्ट एमटीपी सब किया था, फिर भी अनफॉर्चुनेटली नहीं पास हो पाए। तो हमें क्या करना है सर? आपको कुछ नहीं करना है, आपको वही करना है जो अब तक आप करते आए, बस दो चीजें आपको उसमें ऐड करनी है। कोई नया बैच लेने की जरूरत नहीं है आपको, कोई अलग से लेक्चर परचेस करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना है, कोई फास्ट ट्रैक कुछ नहीं करना अलग से। अगर आपको लगता है आप कॉन्फिडेंट हो कि आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो, सब कुछ सही है, और आपने सफिशिएंट प्रैक्टिस की है क्वेश्चंस की, तो बस आपको दो ही चीज करना है। एक तो कल से हमारे अमेंडमेंट वीडियोस आएंगे यूट्यूब पर फ्रीली, वो आपको देखना शुरू करना है। उसमें क्या कवर होगा? उसमें फाइनेंस एक्ट 23, लेटेस्ट फाइनेंस एक्ट के सारे अमेंडमेंट्स वहां कवर कर लूंगा, ठीक है, डोंट वरी, आपको जस्ट वो देखना है। और फिर कल से एक और चीज आएगी, वो है जो आईसीआई ने न्यू टॉपिक्स ऐड किया है, किसमें, आपके न्यू कोर्स में। तीन नए टॉपिक इंस्टीट्यूट ने ऐड किया है और दो टॉपिक को निकाल दिया है। कौन से तीन टॉपिक ऐड किया है सर? एक तो टैक्स ऑडिट, जो पहले ऑडिट में हुआ करता था, अब उन्होंने वहां से शिफ्ट करके उसको टैक्स में डाल दिया, वो। दूसरा ब्लैक मनी लॉ, जो आपके पेपर 6 में हुआ करता था इलेक्टिव पेपर में, वो वहां से निकाल के आपने आपके डायरेक्ट टैक्स के पेपर में डाल दिया पेपर 4 में। और तीसरी चीज जो आपको करना है, वो एक नया एक टैक्स, एक इंटरनेशनल टैक्स में एक नया छोटा सा थियरी टॉपिक है 5-6 पेज का, बहुत ज्यादा नहीं। तो ये तीनों चीज के लिए क्या करेंगे सर हम लोग? ये तीनों चीज के लिए हम कैसे करेंगे, वो भी मैं आपके लिए फ्रीली प्रोवाइड करूंगा यूट्यूब पे। आपको कोई अलग से कुछ बैच लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। अगर आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो तो आपको दो काम करना है, एक मेरा अमेंडमेंट वीडियो देखना है, दूसरा मेरा ये तीन टॉपिक्स का वीडियो देख लेना है। आपका कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो, आप खत्म हो गए, बस खत्म। आपको अलग से कुछ वापस से सुनने की जरूरत नहीं, उतना समय पर बात करने की जरूरत नहीं है। बस एक सिंसियर एडवाइस मेरी तरफ से होगी कि आप नई बुक्स ले लेना, बस बेटर होगा। नई बुक्स ले लोगे तो क्या होगा, सब कुछ एक जगह पे अमेंडेड होगा, सारा कॉन्सेप्ट एक जगह पे अमेंडमेंट होगा, और सारा का सारा अमेंडमेंट भी आपको जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है वो ग्रीन कलर में मिलेगा, बुक के अंदर सारा अमेंडमेंट इनकॉर्पोरेट होगा। नहीं तो आप क्या, ये अमेंडमेंट का लेक्चर देखोगे, पुरानी बुक के अंदर अपडेट करोगे, सब खिचड़ी बन जाएगी। प्लस क्वेश्चन बैंक के अंदर भी सारा सब कुछ अमेंडेड होगा, सारी डेट्स अमेंडेड होगी, सारे क्वेश्चन लेटेस्ट फाइनेंस एक्ट के हिसाब से अमेंडेड होंगे, सारे क्वेश्चंस के अंदर आपको वो स्टारिंग कैटेगरी भी मिल जाएगी, और सारे क्वेश्चंस के अंदर आपको लास्ट पास्ट 7 अटेम्प्ट के आरटीपीस, 5-6 अटेम्प्ट के मॉक टेस्ट, 5-5 अटेम्प्ट के पेपर्स, वो 18-19 पेपर भी आपको लेटेस्ट फाइनेंस एक्ट 23 के हिसाब से अमेंडेड मिलेंगे। तो वो आपके लिए एक एडवांटेज हो जाएगा, उससे बहुत समय बच जाएगा आपका, नहीं तो आप एक हफ्ता इसी में कंपाइल करने में बर्बाद करोगे। तो जो कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग है उनको कुछ नहीं करना है, ये दो चीज देखनी है, और ये दो चीज देखने के बाद आपको बस 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 हमारी नई बुक से पढ़ लेना है, बस आपका काम हो जाएगा। अब सेकंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट कौन है, जिनको लगता है कि हम कॉन्सेप्चुअली तो बहुत स्ट्रांग है सर, लेकिन हमने बस एक गलती कर दी थी पास्ट अटेम्प्ट में कि हमने सफिशिएंट प्रैक्टिस नहीं की क्वेश्चन की क्लास के अंदर। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रांग हो लेकिन सफिशिएंट प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन नहीं हुई है आपके लिए,
तो आप लोगों के लिए ये स्पेशल बैच लाया हमने, प्रैक्टिकल क्वेश्चन बैच, जिसके अंदर आपको कॉन्सेप्चुअली कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा, लेकिन आईसीआई के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन कवर होंगे, पिछले 6 अटेम्प्ट के आरटीपी, 7 अटेम्प्ट के आरटीपी, मॉक टेस्ट, एग्जाम पेपर, ये सब कुछ एट अ वेरी वेरी कंसेशनल प्राइस। लगभग 40-45 घंटे का बैच है, उसके अंदर हम लोग सब कुछ कवर कर देंगे, इतना प्रैक्टिकल एक्सपोजर दे देंगे आपको कि आपको सम सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको लगता है आपने पहले अटेम्प्ट में सफिशिएंट प्रैक्टिस नहीं किया है तो आप इस बैच के लिए जा सकते हो। थर्ड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट, जिनको ये लगता है कि हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी अच्छे से नहीं हुआ है और हम कंसेप्ट में भी बुरी तरीके से लटके हुए हैं, कॉन्सेप्ट भी हमारे अच्छे से नहीं हुए, तो फिर मैं तो पर्सनली एडवाइस दूंगा कि आप फिर एक प्रॉपर बैच कर लो भाई, मजाक नहीं, डायरेक्ट टेस्ट का पेपर बहुत कॉन्सेप्चुअल होता है। आप एक फास्ट ट्रैक जो हमारा एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, जिसमें 100% कॉन्सेप्ट्स कवर्ड है, 100% आईसीआई मटेरियल के हिसाब से कॉन्सेप्ट्स कवर्ड है, 100% क्वेश्चंस कवर है, पूरा का पूरा प्रैक्टिकल बैच उसके अंदर कवर्ड है, सब कुछ उसमें कवर्ड है। उसमें आपको किताबें भी मिल जाएगी, हार्ड कॉपी आपके घर तक, आपको 9 महीने तक का लेक्चर का एक्सेस भी मिल जाएगा, और आपको उसके अंदर 1.5 व्यूज भी मिल जाएगा, सब कुछ एक प्रॉपर बैच की तरह। रेगुलर बैच के लिए मत जाओ, अभी आपके पास समय नहीं है, समय होगा तो रेगुलर बैच के लिए आप जा सकते हो, अदरवाइज मत जाओ, मैं खुद बोल रहा हूं। तो ये तीन कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए मैंने ये बताया। अब जो मैं अमेंडमेंट डालने वाला हूं कल से, और ये जो टॉपिक्स डालने वाला हूं, न्यू टॉपिक्स यहां पर अमेंडमेंट या न्यू टॉपिक्स, ये सब हमारे एग्जिस्टिंग बैच स्टूडेंट्स को नहीं देखना है, जिन्होंने ऑलरेडी हमारा May 24 या November 24 में बैच लिया था, उनको ये सब कुछ नहीं देखना है बेटा, प्लीज। क्यों? क्योंकि वो सब अपने क्लास में ऑलरेडी कवर कर लिया है। आप ये सब चीजें देखकर अपना समय मत बर्बाद कीजिए प्लीज, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो November 23 से May 24 में आ रहे हैं, ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए, आप लोगों के लिए नहीं है, बी वेरी केयरफुल। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप निराश होंगे, आप हताश होंगे, आप दुखी होंगे जीवन में, प्लीज इन सब से आपको उभरना पड़ेगा बेटा। मेरी तरफ से जो जो होता रहेगा मैं वो आप लोगों के लिए डालता रहूंगा, मैं आप लोगों के लिए लेटेस्ट रिवीजन वीडियोस डालता रहूंगा May 24 वाले, जैसे मैंने November 23 वालों के लिए डाला था। मैं आप लोगों के लिए MCQ वीडियो डालूंगा, मैं आप लोगों के लिए मैराथन कंपाइलेशन बनाऊंगा सारे पास्ट अटेम्प्ट पेपर्स का, वो सब करूंगा मैं आपके लिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। आपको निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है, जीवन में होता है, इट्स ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, सी एग्जाम में इंसान फेल होता है, इट्स ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, एंड ये सारे वीडियोस आपको कल से मिलना शुरू हो जाएंगे। टेक केयर ऑल ऑफ यू, टिल देन बाय ऑल ऑफ यू।